अब इस प्रोजेक्ट की कीमत ऑफर्स और नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद के अनेकों प्रॉपर्टीज को लाइव बाय इंडिया प्रॉपर्टी ऐप में देख सकते हैं और बिल्डर से भी वहीं से लाइव बात कर सकते हैं। ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो के आखिर में दिए गए हाउ टू यूज ऐप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्राइडेंट रेसो सेक्टर 1 की एक प्राइम लोकेशन में प्रीमियम 2+3 और 4 BHK के ऑप्शंस प्रदान करता है। सेक्टर 1 ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया है जहां पे ऑलरेडी काफी सारे अपार्टमेंट्स का पोजीशन हो गया है और हजारों की संख्या में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही है। एरिया की बात करें तो पास में ही यथार्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आसपास में काफी सारे मार्केट्स स्कूल्स और कॉलेजेस मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट ट्राइडेंट ग्रुप का एक सेकेंड प्रोजेक्ट है और इनका पहला प्रोजेक्ट ट्राइडेंट एम्बेसी भी अपनी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एमिनिटीज की वजह से जाना जाता है। स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में 5 टावर्स हैं और इसमें 2+3 और 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा जान लेते हैं। आज हम जानेंगे सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे ट्राइडेंट रेसो प्रोजेक्ट को। सेक्टर 1 ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रीमियम सेक्टर माना जाता है। ट्राइडेंट रेसो प्रोजेक्ट गौर चौक से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आता है और ये गौर चौक से सूरजपुर जाने वाली सड़क पे बना हुआ है। प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया डेवलप्ड है और साथ ही में स्कूल मार्केट्स हॉस्पिटल्स बेहद ही नजदीक है। इवन मेट्रो स्टेशन जाने के लिए भी यहाँ पे मेट्रो फीडर बसेस बड़ी आराम से मिल जाती है। सोसाइटी के सबसे नजदीक में आने वाला मेट्रो स्टेशन गौर चौक का होगा जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा और वहीं पे करंटली आज का क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 51 का है जो कि तकरीबन 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सोसाइटी आज के टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन है और सोसाइटी 3.5 एकड़ पे डेवलप की जा रही है जिसमें 5 टावर्स हैं। इन 5 टावर्स में टोटल मिला के 572 यूनिट्स है और इन टावर्स की हाइट स्टिल्ट प्लस 22 फ्लोर्स की है। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग और वहीं पे बेसमेंट में भी पार्किंग की जगह प्रोवाइड कराई गई है। सोसाइटी के बैक साइड पे देविका गोल्ड होम अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहीं पे एक साइड पे ट्राइडेंट एम्बेसी अपार्टमेंट्स और दूसरी साइड पे एक्सप्रेस एस्टा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट MyOne टेक्नोलॉजी पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काफी सुपीरियर और ड्यूरेबल मानी जाती है। प्रोजेक्ट के अंदर में 2 BHK+3 BHK, 3 BHK+3 और 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं। सोसाइटी के सभी फ्लैटों में वार्डरोब्स लगा के मिलते हैं और साथ ही किचन से भी मॉड्यूलर मिलता है। सोसाइटी में सभी मॉडर्न अमेनिटीज जिसमें क्लब पूल इंडोर गेम्स और साथ ही में लॉन मिल जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट को इनके पुराने प्रोजेक्ट ट्राइडेंट एम्बेसी से कंपेयर किया जाए तो ट्राइडेंट एम्बेसी काफी अच्छा बना हुआ था और साथ ही में एम्यूनिटी वाइज और मेंटेनेंस वाइज भी अच्छा कंसिडर किया जाता है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्राइडेंट रेसो ट्राइडेंट एम्बेसी के हिसाब पे ही आगे बनेगा और मेंटेन किया जाएगा। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो एक ऐसा ग्रुप जो ऑन टाइम डिलीवरी के लिए जाना जाता है और साथ ही में प्रोजेक्ट जो कि MyOne टेक्नोलॉजी पे बन रहा है और लोकेशन वाइज भी काफी अच्छा है और प्राइस वाइज भी काफी रीजनेबल साइजेस और कीमत में मिल जाता है। अगर इन सब चीजों को कंसिडर किया जाए तो ये प्रोजेक्ट लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।